हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगर हमारी क्लीन और क्लियर स्किन है और हम अगर ज़रा सा भी कोई मेकअप कर लेते हैं तो फेस कितना खिलके आता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे झाइयों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में झाइयों के बारे में ही बात करने वाले हैं और मैंने काफ़ी सारी वीडियो झाइयों पर बनाई है। मैं एक सीरीज तैयार कर रही हूँ झाइयों के बारे में ही, आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि झाइयों पर ही वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो झाइयों पर ही है गाइज। तो आज जो मैं नुस्खा लाई हूँ वो इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, आपकी यहाँ पे पिगमेंटेशन की जो शिकायत हो जाती है, यहाँ फेस के अराउंड जो शिकायत हो जाती है, बहुत सो की यहाँ हो जाती है, माउथ पे हो जाती है और हेड पे भी हो जाती है, तो वो सब इसी नुस्खे से जो घरेलू मैं आपको बताने वाली हूँ उससे बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी अच्छे से। और आप देखिएगा फेस में इतना ज़्यादा ग्लो और शाइन आपकी आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ग्लो और शाइन आपके आ जाएगा। और जो मैं अपने इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं लगाती हूँ, वही टिप्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ, वही वीडियो और वही रेमेडी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई कर रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैंने पपीता ले लिया है, इस बॉइल के अंदर मैं इस पपीते की एक क्यूब ले रही हूँ, सिर्फ एक पीस ही मैंने इस बॉइल में डाला है, खाली बॉइल है गाइज। और इसमें मैं ये पतंजलि का ये एलोवेरा जेल लूंगी, इसमें आपको यही वाला एलोवेरा जेल लेना है और इसमें केसर और चंदन है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके फेस में, देखिएगा। और देखिएगा मैंने सिर्फ आधी चम्मच इस जेल को लिया है, जो मेरे फेस के अकॉर्डिंग लग जाए फेस पे अच्छे से, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिएगा हमें बिल्कुल अच्छे से इसे मैश कर लेना है, चाहे आप अपने हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मैश करने के लिए। आप इसका मैंने पल्प निकाल लिया है दोनों को, एलोवेरा जेल को, और इसे मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, और यही मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे, पूरे फेस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा पपीता भी, आपको पता होगा बहुत ज्यादा स्किन को ब्राइटर करता है और फेयर करने का काम करता है, स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करता है। इस तरीके से आपको लगा लेना है पूरे फेस पे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, और आपको इससे मसाज करनी है अपने फेस की बहुत अच्छे से। आपको इसे आप मॉर्निंग में चाहे तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, नाइट में चाहे नाइट में, लेकिन आपको जब फेस वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करें इस रेमेडी को आप लगाने, मतलब फेस वॉश अपना कर लें उसके बाद ही इस रेमेडी को अपने फेस पे यूज करें। और नॉर्मल पानी से आप 5 से 10 मिनट के बाद जब ये सूख जाए, बहुत अच्छे से इसे ड्राई नहीं करना अपने फेस में, उसके बाद ही आप अपना वॉश कर लें फेस को, नॉर्मल वाटर से आप अपना फेस जो है वॉश करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अभी सूखा नहीं है, अभी 5 मिनट हुए इसे लगाए हुए मुझे, तो इसे 5 to 10 मिनट में ये सूख जाएगा पूरी तरीके से, तो उसके बाद में मैं अपना नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लूंगी। गर्म पानी से बिल्कुल भी मुंह अपना नहीं धोना है, नॉर्मल वाटर जो आपका नल में आ रहा है उसी से ही अपना फेस वॉश करना है। और देख सकते हैं मैं वॉश कराई हूँ पानी से, नॉर्मल वाटर से, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा फेस जो है क्लीन हो चुका है। और आपको ये रोजाना ऐसा करना है और आप देखेंगे एकदम से आपकी जो झाइयां हैं वो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं पूरी तरीके से। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिए।